हेलो चिरन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो, अगर आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो अपने एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो हाँ, सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब कर दो और एक काम और करो मेरे लिए, कम से कम सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और उसके वीडियोस को वॉच करो यार। सोलैंड 2 देखो, बीडीएस सीजन 5 को देखो और उसी की मैं नोबल को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो वीडियो छूटे हुए हैं देखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ रिकवर करने के, लेकिन उनमें कॉपीराइट आ ही रहा है। मैं अगर अपलोड कर भी रहा हूँ तो भी, तो मुझे सारे के सारे वीडियोस के वीडियो चेंज करने पड़ेंगे और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे कामों में अभी उलझा हुआ हूँ। जैसे ही फ्री होता हूँ तो वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो रिवर्थ हो, ग्रैंड वर्ल्ड हो, या बीडीटीएच 9, 8 या 10 का सीजन हो। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, थोड़ा सा बस टाइम दे दो मुझे। और मेरे लिए प्लीज सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे भी होगा। 1700 के अप्रोक्स उसमें 3N फैमिली पहुंच चुकी है, तो आज 2000 कंप्लीट कर दो उसे, 300 लोग और जाओ और उसे सब्सक्राइब कर दो तो वो 200 हो जाए। ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। इतना तो करोगे यार मेरे लिए। और अब मैं बताता हूँ तुम लोग को पिछला एपिसोड, तो पिछले एपिसोड में हमने कुछ भी नहीं, बहुत कुछ खास देखा था यार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन की फाइट हो रही होती है ट्री के साथ, जो 5 एलिमेंट्स की पावर को यूज कर पा रहा था, पता नहीं कौन सा बवाल ट्री था। लेकिन हमने एक और चीज भी वहां पे देखी थी कि 5 एलिमेंटल ट्री को जला देता है जब जियोयान, तो उसके अंदर से निकलती है एक ब्लैक शैडो। वो ब्लैक शैडो जियोयान के हर एक अटैक को नलीफाई कर दे रही थी, मतलब असर ही नहीं पड़ रहा था। और जियोयान के अटैक को देखकर वो खुद अटैक करना सीख रही थी, मतलब इसको बैटल का भी एक्सपीरियंस नहीं था, नली बेरोजगार थी। लेकिन जॉन को यहाँ पता चल जाता है कि यह है स्प्रिट सील, तो जॉन जल्दी से मारपीट कर साइड में करता है और इसे अपने कब्जे में लेता है। अब जिंग वूचन को तो बता नहीं सकता था कि मैं स्प्रिट सील भी सॉलो कर सकता हूँ, इसलिए जॉन कहता भाई मैं थोड़ा सा एनर्जी रिकवर करता हूँ, तुम लोग बाहर जाकर देखो ना यार। देन क्या फिर अपना ठरकी स्प्रिट सील को लेकर कल्टीवेशन में बैठ जाता है। और ये एपिसोड मैंने वही एंड किया था, तो ये वाला स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो अभी जाओ, इसके बाद वीडियो देख लेना। और जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा बाला। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियोयान अपनी आंखों से जैसे ही स्पिरिट सील को देखता है, भाई की आंखों में गर्मी आ गई होती है। वास्तव में इस ब्लड केव के अंदर जियोयान को काफी सारी चीजें मिली थी, चाहे वो हब्स हो, बैटल स्किल्स हो, इंग्रेडिएंट हो, फ्रूट ऑफ लाइफ और 9 स्प्रिंग वाटर, ड्रैगन पैटर्न क्वाइन, स्काई फायर घोस्ट शोल मैप का टुकड़ा। जियोयान को इतनी सारी चीजें मिली थी कि जियोयान के लिए पहले ये काफी बड़ा ट्रेजर था, और अब स्पिरिचुअल सील मिल गई थी जिसके कारण जियोयान अपने फ्लेम मंत्र को अपग्रेड कर सकता था, जैसा कि हम सभी को पता है। तो भला जियोयान परेशान खुश कैसे नहीं होता। साथ ही स्प्रिट सील को स्वेलो करने, अब्सॉर्ब करने के एक्सपीरियंस को लेकर जियोयान को ज्यादा टाइम नहीं लगता इस स्प्रिट सील को स्वेलो करने में, जिसके बाद जियोयान खड़ा होता है और बॉडी की सारी हड्डियों के चटकने की आवाजें आती हैं। हालांकि यहाँ पे पावर की रिस्ट्रिक्शन के कारण अब तक जियोयान 5 स्टार पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, लेकिन इसे अब्सॉर्ब करने के बाद जियोयान को इतना तो पता था कि उसकी ताकत में सुधार जरूर होगा जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का जियोयान को जवाब मिल गया होता है, जिसके बाद जियोयान कहता है क्या वास्तव में यहाँ पे कोई भी लिंगन मॉस यानी कि ब्लैक मशरूम या स्प्रिट मॉस नहीं है, क्या ओल्ड जान को इसके बारे में पता होगा। जॉन को पता था जहाँ पे स्प्रिट सील होती है वहाँ पे स्प्रिट मॉस भी होता है, इसलिए जॉन ओल्ड जान से इसके बारे में पूछता है। लेकिन ओल्ड जान घंटा रिप्लाई नहीं करते, इग्नोर मार देते हैं जॉन को, जो देखकर जॉन कहता है ओड़ी बाबा मैं एक तो पूछ रहा हूँ बंदा जवाब भी नहीं दे रहा। जॉन अपने दिल में कई बार जान लाओ को बुलाता है बट जान लाओ ने कोई भी आंसर नहीं दिया होता। तभी जॉन कहता आखिरकार मुझे स्प्रिट सील तो मिली लेकिन यहाँ कोई स्प्रिट मॉस नहीं है, क्या बकवास है ये। जॉन को पता था कि उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, साथ ही अपनी बॉडी को मैरो लिक्विड के साथ रिफाइन करने के लिए जियोयान को स्प्रिट सील मॉस की जरूरत थी, बट वो यहाँ पे मिल ही नहीं रही थी और जियोयान के पास जो पहले थी वो अब काफी नहीं थी। जिसके बाद जॉन कहता चलो हटाओ हो गया, बाहर चलते हैं और लॉन्गी और बाकी लोगों से मिलते हैं। और इतना कहने के बाद जॉन केव के बाहर पहुंच जाता है, तभी लॉन्गी तुरंत ही कहता फादर, और तुरंत ही दौड़ते हुए जियोयान से कसकर गले लग जाता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता फादर देखो ये क्या है, और उसके हाथ में एक काफी बड़ी सी काली चीज होती है जो देखकर जियोयान कहता है ये, और जियोयान खुशी से एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या ये स्प्रिट सील मॉस नहीं है, ये तुम्हें कहाँ पे मिली लॉन्गी। जो देखकर लॉन्गी तुरंत ही कहता है फादर ऊपर केव के पूरी छत पे रूफ में यही है। साथ ही लॉन्गी जियोयान के हाल एक पिल रिफाइनमेंट में जियोयान के साथ रहता था और उसने इस चीज को जियोयान के पास देखा था, इसलिए वो इस चीज से अननोन तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी जियोयान कहता है तो तुम्हारा मतलब है ये लिंगन मॉस या स्प्रिट मॉस इसके रूप पर बाहर उगा हुआ है, जिसमे लॉन्गी तुरंत ही अपना सिर हिला देता है। तभी जॉन कहता है अजीब बात है, इस चीज को तो केव के अंदर होना चाहिए बट क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन एनर्जी काफी ज्यादा है और एक्सट्रीम सन एरिया के ये काफी नजदीक है, साथ ही बंद होने के कारण टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण स्प्रिट सील मॉस यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई और छत के बाहर उग गई।
और यहाँ पे जॉन बेवकूफों की तरह तुक्का मारने लगता है। तभी आप आ जाती है, तुम इडियट नहीं हो, तुमने जो सोचा वो सच है। जो सुनकर जॉन कहता है, अबे खूसट बुड्ढे आखिरकार तूने कुछ बोला तो सही, मैं तुमसे कब से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें यहाँ पे लिंग इनवर्स फील हो रही है। और यहाँ पे जॉन खुशी में गुस्सा भी हो जाता है कि आखिरकार जब बुला रहा था तभी यह बंदा आवाज और रिप्लाई कर नहीं रहा था और अब बिना बुलाए बोल रहा है। लेकिन वो खुश इस बात पे होता है कि आखिरकार जॉन लाओ ने रिप्लाई तो किया। तभी ओल्ड जॉन भी गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐरा गहरा नत्थू गहरा हूँ? तुम मुझे कभी भी बुलाओगे और मैं हमेशा तुम्हें जवाब दूंगा। हाँ, ये सुनकर जॉन थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है और अपने दिल में इनजस्टिस फील करता है। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं, देख भाई तेरा सही चल रहा है, तेरी लाइफ में कोई भी पंगे नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास तुम्हारी छोटी छोटी बातों की परवाह करने का टाइम नहीं है। साथ ही बच्चे इस बार तुम काफी लकी थे कि तुम्हें स्पिरिट सील भी मिल गई, इसलिए इस बार ओल्ड मैन तुम्हारी इस डिसरिस्पेक्ट के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार याद रखियो, अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हैं, रिवर्ती में हमारे एल्डर गोयू भी कहा करते थे, तेरी मदद ना कर रहा मैं। और लास्ट में जो यान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था। किसे किसे एल्डर गोयू याद हैं, यानी कि बोन चिलिंग फ्लेम। तभी जो यान कहता है, वास्तव में बुढ़े लोगों को समझाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि तभी एक आवाज आती है, ब्रदर जो यान, क्या आपको स्प्रिट सील के बारे में कुछ पता चला? इस टाइम पे तो जिंगबू चैन भी केवल स्प्रिट सील के बारे में ही हैरान था। हालांकि उसे यह भी पता था कि स्प्रिट सील मॉस यह पिल रिफाइनमेंट में यूजफुल इंग्रेडिएंट है, इसलिए उसने लॉन्गी की स्प्रिट सील मॉस को इकट्ठा करने में काफी मदद की थी। लेकिन स्प्रिट सील के सीक्रेट के कंपैरिजन में यह स्प्रिट मॉस कुछ भी नहीं थी। तभी जॉन कहता है, सच में मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना इजी होगा। और इसके बाद जॉन होश में आते हुए कहता है, यह वास्तव में एक पावरफुल स्प्रिट सील है जो डाउडी कॉन्टिनेंट पर 20th रैंक पर है। पर 20th क्या होता है, 20 रैंक पर है। और इसे 5 एलिमेंटल स्प्रिट सील कहा जाता है जो हेवन और अर्थ के बीच में पांचों एलिमेंट्स या की एट्रीब्यूट्स को रूल करती है। साथ ही इसके अंदर अपनी खुद की स्पिरिचुअलिटी है, यानी खुद की ताकत सोचने समझने की और चीजों को सॉल्व करने की। साथ ही अपने आप को खुद पे ट्रांसफॉर्म कर सकती है और टाइम आने पर एलिमेंट्स की पावर को यूज कर सकती है। साथ ही ये पांचों एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस बना के रखती है। साथ ही आपके डिफेंस को बढ़ा सकती है और ये जिसके पास होगी वो आसानी से 5 एलिमेंट्स की पावर को यूज कर सकता है। साथ ही क्योंकि इसके पास 5 एलिमेंट की पावर थी तो ये अपने वुड एलिमेंट को यूज करते हुए ट्री के साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो गया था, इसीलिए मुझे इसमें और ट्री में बिल्कुल भी फर्क पता नहीं चला। मैंने सोचा था कि शायद इसके अंदर कोई कठिनाई होगी जिसके कारण मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना इजी होगा। तभी जिंग बुचन और लॉन्गी को भी अचानक से एहसास होता है, इसलिए वो लोग स्प्रिट सील जैसे ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए जो यान को बधाई देते हैं। साथ ही 20 रैंक के होने के कारण ये उन सभी के लिए काफी अच्छी बात थी। साथ ही जिंग बुचन की आंखों में तो जेलिसी को साफ साफ देखा जा सकता था कि घोस्ट सोल मिल रही है, स्पिरिचुअल सील मिल गई, स्काई फायर मिल गई, ये बंदा तो और ही ज्यादा लकी है। दूसरा जो यान भी अलग ही लेवल पर एक्साइटेड होता है कि वो वास्तव में अपने फ्लेम मंत्र को सेकंड लेवल पर अपग्रेड कर पाएगा, मतलब दूसरी बार अपग्रेड कर पाएगा। दूसरा लॉन्गी चुपचाप अपने पप्पा को खुश देखकर हंस रहा होता है कि पप्पा खुश तो मैं भी खुश। तभी जोयान खुशी से जागता है और उसे एहसास होता है कि गुफा के पीक पर जहाँ पे वो लोग थे वो एक पहाड़ की चोटी पर थी। साथ ही ये चोटी ज्यादा ऊंची तो नहीं थी लेकिन पूरी तरीके से मिस्ट से भरी हुई होती है। साथ ही इससे कुछ ही दूरी पर कुछ और भी चोटियाँ होती हैं जो समुद्र में डूबे हुए टापुओं की तरह लग रही होती है, वास्तव में काफी आइकॉनिक। तभी जोयान नाक रगड़ते हुए कहता है, वास्तव में इस गुफा से अंदर चलते चलते हम इस पहाड़ की चोटी पर आ गए, मुझे उम्मीद ना थी। वास्तव में अगर यह पहाड़ की चोटी मिस्ट से ढकी नहीं होती तो इस केप को बहुत पहले ही खोज लिया जाता। जिस पे जिंग बुचन भी स्माइल करते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो ब्रदर, और तीनों जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद ये माउंटेन से नीचे की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें काफी सारे ट्रेजर मिल गए थे। साथ ही यहाँ पे ये काफी बड़े बड़े एशियन ट्रीज को भी देखते हैं। साथ ही पहाड़ से जितना ज्यादा नीचे ये जाते जा रहे थे ग्रीनरी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे रहने वाले बीस्टों के लिए नहीं होता तो वास्तव में ये जगह घूमने और पिकनिक और कल्टीवेशन रिट्रीट के लिए काफी अच्छी होती। साथ ही साथ यहाँ पे सब कुछ पावर पे डिपेंड करता था, अगर आप पावरफुल हैं तो आप कहीं पे कभी भी कहीं भी बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। हालांकि तभी जॉन आगे बढ़ते हुए अचानक ही कहता है, रुको वहाँ डाउडी। और जंगल में पहुंचते ही लॉन्गी जॉन और जिंगबूचन अचानक ही अपनी बातों को रोक देते हैं। तभी सभी लोग लॉन्गी के फिंगर की डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, जिसके बाद सभी लोग जब उस डायरेक्शन पे देखते हैं तो काफी सारे रंग बिरंगे फ्लावर वहाँ लगे हुए होते हैं। साथ ही माहौल काफी शानदार होता है, जो देखकर जिंगबूचन कहता है, वास्तव में ये फ्लावर कितनी अच्छे हैं। उसे लग रहा था लॉन्गी ने इस सुंदर सीन को देखने के लिए उसे इशारा किया है, लेकिन यहाँ पे जो यान और भी ज्यादा हैरानगी से पूरी तरीके से शांत हो जाता है और कोई भी रिप्लाई नहीं करता, बस वो उन्हीं जंगली फ्लावर्स को देख रहा होता है। तभी जिंगबूचन उदास होकर तुरंत ही कहता है, क्या ये सिर्फ कुछ फ्लावर और पौधे नहीं है, ये इतने भी रेयर नहीं है जिसके लिए आपको इतना एक्साइटेड होने की जरूरत है। और इसके बाद वो जॉन से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी जॉन अचानक से हैरान हो जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो अपने हाथ पे तुरंत ही चींटी काटता है। जॉन की आंखों में काफी खुशी होती है। दूसरा लॉन्गी तुरंत उड़कर जो यान
जियान के पास आ जाता है और वो भी जियान के लिए काफी खुश होता है क्योंकि जियो मेंशन के अंदर लोंगी ने जियो यान से ड्रीम ग्रास या ड्रीम बाइंड के इफेक्ट्स और उसके क्वालिटीज के बारे में सुना था और हर समय वो इसी चीज को ढूंढ रहा था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस गुफा से पहाड़ से नीचे उतरते हुए उन्हें ये चीज यहाँ पे मिलेगी, वो भी इतनी सारी। तभी जिंगबू चैन कहता है, क्या वो उन फ्लावर्स के नीचे उगने वाली वो ग्रास है? और इस ग्रास के 3 फ्रूट जुड़े हुए होते हैं और 7 लीव्स एक दूसरे के बगल में होती है और ऑब्वियसली ये ड्रीम ग्रास ही थी। हालांकि ये जो ड्रीम बाइन थी या की ग्रास, इसे एल्केमिस्टों के लिए रेयर नहीं माना जा सकता था, लेकिन जो यान के लिए तो ये फ्रूट ऑफ लाइफ से भी ज्यादा कीमती थी। उसे मिले वो हर एक ट्रेजर से ज्यादा कीमती थी, यहाँ तक की घोस्ट सोल, स्प्रेड सील और स्काई फायर से भी ज्यादा कीमती, क्योंकि ड्रीम बाइन का या की ग्रास का यूज करते हुए जो यान अपने एंसेस्टर को वापस से रिवाइव कर सकता था और उनकी काइंडनेस का बदला चुका सकता था। और यही तो जियान का मोटिव था कि वो उनका एहसान चुकाना चाहता था, तो भला वो एक्साइटेड कैसे नहीं होता। जिसके लॉन्ग टाइम बाद जियान धीरे से अपना मूड ठीक करता है और जिंग बूचैन की आंखों में काफी सारे क्वेश्चंस देखता है। तो जियान कहता है, ये ड्रीम वाइन है और केवल ये एल्यूजन के अंदर ही मिलती है, इसे बाहर ढूंढना काफी ज्यादा कठिन है, लेकिन एल्यूजन के अंदर ये रेयर नहीं है। जिस पे जिंग बूचैन भी चुपचाप अपना सिर हिला देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर जो यान इतना ज्यादा खुश और इमोशनल है तो उसके पास इसका रीजन होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जॉन ने रास्ते में इतनी सारी हत्याएं की, इतनी सारी रोमांचक चीजें हुई, यहाँ तक कि 9 स्प्रिंग वाटर और फ्रूट ऑफ लाइफ जॉन को मिला, फिर भी जॉन एक्साइटेड नहीं हुआ। लेकिन इसे देखकर जो यान इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो इंतजार करते हुए जो यान की हर एक बात सुनने लगता है। तभी जॉन बताता है, जब मैं ड्यूकी कॉन्टिनेंट में था तब मैं कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा कमिटेड था और पूरी मेहनत से कल्टीवेशन करता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन डाउडी बनूंगा। और इसके बाद ग्रीन ड्रीम बाइंस को टच करता है, जिसके बाद वो बताता है, हेवनली टॉम नाम की एक स्पेशल प्लेस में मैं जियो क्लेन के एंसेस्टर और अपने एंसेस्टर जियो जुआन से मिला, जिनकी पावर सेंट लेवल के पीक लेवल पर थी। और इसके बाद जियान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो बताता है, उस टाइम पे मेरी जियो फैमिली काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, एंसेस्टर जियो जुआन की केवल एक ही उम्मीद मैं था, साथ ही उन्होंने इसके लिए न जाने कितने हजारों सालों इंतजार किया। मेरे एंसेस्टर ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उन्हें हुन क्लेन ने घेर कर अटैक करके मार दिया था, जिसके बाद मेरे एंसेस्टर ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके मेरी स्पिरिचुअल पावर को एम्परर स्टेज तक पहुंचा और मुझे डाउडी बनने के लिए एक स्टेप आगे कर दिया। और ये कहा जा सकता है कि अगर ये मेरे एंसेस्टर के लिए नहीं होता तो मैं जियो यान आज यहाँ पे नहीं होता, और शायद मैं होता ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे सभी दोस्तों, ड्यूकी कॉन्टिनेंट, मेरे रिलेटिव सबको मार दिया गया होता। साथ ही मैं अच्छे से समझता हूँ कि ये केवल मेरे जियो क्लेन का लक था, कि वास्तव में मेरे पास एक ऐसे एंसेस्टर थे, उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे सौंप दी, उन्हें पूरा विश्वास मुझ पे था, इसीलिए मुझे उनकी काइंडनेस को वापस से साबित करना होगा, क्योंकि मुझे पावरफुल करने के लिए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। तभी जिंग बूचैन जॉन के कंधे को थपथपाता है और कहता है, मैं आपके लिए इन चीजों का महत्व जानता हूँ कि ये आपके एंसेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ब्रदर जी, आप पहले ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक पावरफुल पर्सन है और अपने क्लेन का प्राउड और ग्लोरी भी। मुझे उम्मीद है एक दिन आप जरूर ही डाउडी कॉन्टिनेंट के ऊपर खड़े होंगे और आपके एंसेस्टर की सोल हेवन से आपको देखकर काफी खुश होगी। तभी जॉन कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे एंसेस्टर हेवन से मुझे ना देखें, बल्कि वो मेरे साथ खड़े होकर पूरे जियो क्लेन की लग्जीरियस लाइफ को और रिचनेस को देखें। लेकिन यहाँ पे जियो यान जिंग बूचैन को कोई तगड़ा झटका नहीं देना चाहता था, इसलिए जॉन अचानक से हंसने लगता है और जिंग बूचैन कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि जॉन थोड़ा सा एक्साइटमेंट में फ्लो में आगे निकल गया। जिसके बाद जॉन कहता है, बस मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि मैंने इस ग्रास को देखा तो मुझे अपने एंसेस्टर की याद आ गई। तभी जिंग बूचैन कहता है, वास्तव में इस चीज को पाना आपके लिए काफी बड़ी बात है। दूसरा जिंग बूचैन सोचता है कि क्या वास्तव में जो यान इस ग्रास की मदद से अपने एंसेस्टर को वापस से जिंदा कर पाएगा जो मर चुके हैं, और जो यान की तरफ क्वेश्चन की तरीके से देखने लगता है, इसके कहने का मतलब क्या था। तभी यान कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। जब मेरे एंसेस्टर ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था तब उनकी सोल का मैंने एक क्लस्टर रख लिया था। डाउडी कॉन्टिनेंट पर पहुंचकर मैं इस मेथड को तलाश कर रहा था जिससे मैं उन्हें जिंदा कर सकूं, और मुझे वो तरीका मिल भी गया। मुझे एक पिल मिली जो मेरे एंसेस्टर को रिवाइव कर सकती थी, लेकिन इसके लिए ये ड्रीम ग्रास सबसे ज्यादा जरूरी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट था। जो सुनकर जिंग बूचैन कहता है, हे भगवान, क्या सचमुच में ऐसी कोई चमत्कारी दवा है? तभी जान कहता है, ये बस हेवन की ब्लेसिंग है। एशियन डिजास्टर के बाद याओ क्लेन के पास केवल कुछ ही गोलियां बची थी, मुझे बस एक मिली। हालांकि डाउडी के रिवाइविंग के चांस इस पिल से बहुत कम है, लेकिन डाउडी से नीचे के लोगों के लिए यह 100% कारगर है। तभी जिंग बूचैन कहता है, ब्रदर जियो यान, आप सच में काफी ज्यादा पोलाइट है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो कोई भी आपके जैसा नहीं कर सकता। आपका कमिटमेंट, आपकी पावर, मैं जितनी आपकी तारीफ करूं उतना कम है। आप काफी हार्ड वर्क करते हैं और मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी जो सक्सेस है वो बस तुक्के से तो नहीं मिली, इसके लिए आपने काफी एफर्ट किए होंगे। जिंग बूचैन की तारीफ पे तो अपना टर्की थोड़ा सा शर्मा जाता है। हाय, लोग तारीफ कर रहे हैं भाई, काइलिन को आने दो, फिर ये जो शर्मा रहा है ना घबराते हुए भागेगा। तभी लोंगी भी कहता है, पापा, इतना पुलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। और जिंग बूचैन
तुम्हें भी इतना ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जिंगबू चैन कहता है, वास्तव में ब्रदर जी और लोंगी के प्रोटेक्शन के कारण मैं जर्नी के अंदर थोड़ा सा आलसी होता जा रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में ब्रदर जी और यान के साथ रहकर एक चीज तो सीख गया कि मुझे भी अब कमिटेड तरीके से अपनी हर एक चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, ताकि एक दिन डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर डाउडी लोगों में से एक सीट जिंगबू चैन के लिए भी होनी चाहिए। और जिंगबू चैन के ऐसे कमिटेड बिहेवियर को देखकर जो यान को एक टाइम के लिए लगता है कि ये बंदा कौन है भाई, अलग ही पर्सनालिटी है इसके अंदर। दूसरी तरफ लोंगी भी काफी लॉन्ग टाइम तक जिंगबू चैन को देखता है, साथ ही उसे अच्छे से पता था जब तक किसी पर्सन को खुद पर विश्वास है उसकी आधी प्रॉब्लम्स तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। तभी जान भी कहता है, मुझे उम्मीद है तुम जरूर कड़ी मेहनत करोगे, साथ ही पास्ट में चाहे कुछ भी हो बूचैन हम फ्रेंड हैं, हम फ्यूचर में एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। जिसके बाद जियो यान अपने हाथ को आगे करता है, जिंग बूचैन अपना हाथ रखता है और लोंगी अपना छोटा हाथ, और तीनों कसकर एक कड़ी स्माइल पास करते हैं। जिसके बाद वो तीनों लोग ड्रीम ग्रास को इकट्ठा करके फिर से आगे चलने लगते हैं। साथ ही एल्यूजन के एंट्रेंस से जितना ज्यादा दूर होने के कारण जंगल उतना ही ज्यादा कठिन और गहरा होता जा रहा होता है। साथ ही जंगल से गुजरते हुए उन लोगों ने काफी सारे बीस्टों का सामना किया था, जिनमें से काफी सारे लेट फाइव स्टार और फाइव स्टार पीक के भी थे। तभी जिंगबू चैन तुरंत कहता है, रास्ते में हालांकि हम लोगों को बहुत कुछ मिला है, पर अब बीस्ट भी काफी पावरफुल होते जा रहे हैं। यहाँ पे फाइव स्टार के पीक लेवल के बीस्ट जो मुश्किल से देखने को मिलते थे अब आसानी से देख पा रहे हैं, साथ ही एक दो नहीं बल्कि सात या आठ, इनसे निपटना तो वाकई काफी मुश्किल है। और ऐसा कहते हुए बेचारा अपने माथे से पसीना पोंछता है और उसके चेहरे पर थकान साफ साफ देखी जा सकती थी। तभी जॉन कहता, हो सकता ये पावर के कारण डिवाइडेड होना चाहिए, जिनके पास वीक पावर है वो केवल बाहर रहे, जिनके पास स्ट्रॉन्ग पावर वही डीप एरिया में जाए, अपने लक को आजमाए और अच्छे ट्रेजर उठाए, क्योंकि कमजोरों के लिए तो इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। और ये रियलिटी भी है, रियल लाइफ में भी कमजोरों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। तभी जो यान तुरंत ही बात को चेंज करते हुए कहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, हालांकि हाई रैंक के बीस्टों वाले एरिया का मतलब है मैजिकल कोर की क्वालिटी ज्यादा होगी और ट्रेजर मिलने की उम्मीद काफी अच्छी होगी, बाकी सब लक पे डिपेंड करता है, हो सकता है किसी को आउटर एरिया के अंदर ही काफी अच्छे ट्रेजर मिल जाए। आखिरकार हमें वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल जो कि आपकी फ्लाइंग नाइफ थी, ट्रेजर का मैप, फ्रूट ऑफ लाइफ, स्पिरिट सील सब आउटर एरिया में ही तो मिले थे। जिसपे जिंगबू चैन कहता है, आपने सच कहा, लक तो लक है, लेकिन ब्रदर जियान मैंने आपको फॉलो किया इसीलिए मैं यहाँ तक आया, अगर मैं अकेले यहाँ पे आता तो मैं कभी भी डेप एरिया तक आने की हिम्मत नहीं करता, साथ ही मैं तो सोच रहा हूँ कि आप स्लो दोनों से मिलना ये मेरे लिए सच में काफी लक की बात है, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी जियान जिंगबू चैन को होश में लाते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है चलो अंदर चलते हैं, और कुछ सिक्स स्टार मैजिकल कोर भी इकट्ठा करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास पर्याप्त फ्रूट ऑफ लाइफ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों के लिए सोल लव और फ्रूट ऑफ लाइफ से रेजुवेशन पिल को रिफाइन करूँ, जिसके लिए सिक्स स्टार मैजिकल कोर की भी जरूरत है। साथ ही इसके अलावा कोई और ट्रेजर अगर हमें मिलता है तो ये बस लक की बात है। हालांकि सिक्स स्टार मैजिकल कोर काफी ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन एल्केमिस्ट की नजर में यह कुछ भी नहीं थे, क्योंकि आखिरकार फिर रिफाइनमेंट में इनकी काफी जरूरत पड़ती थी। तभी जिंगबू चैन कहता है, ठीक है चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि अब तो ब्रदर जियो यान के साथ सिक्स स्टार लेवल के बीच भी मुझे जरा से भी डरावने नहीं लगते। जिसके बाद ये तीनों त्रिशूल की तीन लाइन की तरह हवा में ऊपर बढ़ने लगते हैं, और जंगल के सेंटर तक पहुंचने के बाद इन्हें तीन सड़कें दिखाई देती हैं जो तीन अलग अलग डायरेक्शन पे जा रही होती हैं, जो देखकर लोंगी तुरंत ही कहता है, पप्पा किस वाले रास्ते में जाना चाहिए। तभी जिंगबू चैन भी कहता है, चाहे कोई सा भी रास्ता ले लो, जैसा कि जियान ने कहा ट्रेजर्स मिलना तो केवल लक पर डिपेंड करता है। और इसके बाद वो जो यान की तरफ देखता है कि जियान किस रास्ते पे जाना चाहता है। तभी जॉन भी अपने आंखें से कोड़ता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है। जिसके बाद जॉन कहता है, बाएं रास्ते पर वैली के अंदर दो सिक्स स्टार स्टार्टिंग लेवल के बीस्ट हैं, जो देखकर जिंगबू चैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो तुरंत कहता है, दो सिक्स स्टार स्टार्टिंग लेवल के मॉन्स्टर्स, उड़ी बाबा। जिसके बाद वो सेंटर वाली सड़क की तरफ देखता है तो जॉन कहता है, वहाँ पे एक दर्जन से भी ज्यादा फाइव स्टार पीक लेवल के बीस्ट है। जो सुनकर जिंगबू चैन राइट साइड की सड़क की तरफ देखता है और जॉन की तरफ देखता है तो फिर इस वाली में। तभी जॉन कहता है, इस वाली सड़क के बीस्टों से निपटना बाकी दो सड़कों के कंपैरिजन में और भी ज्यादा मुश्किल है, और जॉन काफी सीरियस होता है और उसके बाद कहता है, राइट साइड की सड़क में कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है। जो सुनकर जिंगबू चैन बस नारा लगाने ही वाला था, लेकिन तभी जॉन कहता है, लेकिन वहाँ पे 50 से ज्यादा लोग हैं। जो सुनकर जिंगबू चैन तुरंत ही उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि 50 प्लस लोग जो वहाँ पे एंटर हो सकते हैं बीक तो नहीं होंगे। इसलिए वो तुरंत कहता है, ब्रदर जियान अब सब आप पर डिपेंड करता है, आप किस रास्ते पर जाना चाहेंगे, आखिरकार लक आपका ही काफी अच्छा है। तभी जियान कहता है, भाई लक पावर पर डिपेंड करता है, क्योंकि बिना पावर के लक भी काम नहीं करेगा। जिसके बाद जियान लेफ्ट साइड की सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चलो उसी वैली पे चलते हैं, वैसे भी हमें सिक्स स्टार के दो मैजिकल कोर तो मिल ही जाएंगे और उनके सामने फाइव स्टार पीक लेवल के मॉन्स्टर, उनके कोर उतने यूजफुल नहीं है। और जिंगबू चैन जैसे ही सिक्स स्टार के मैजिकल कोर के बारे में सोचता है तो मुंह से लार टपकने लगती है। तभी जियान कहता है, यहाँ पे तो ठीक है मेरे भाई, बाहर जाने के बाद क्या तुम सिक्स स्टार के मैजिकल बीस्ट को मार पाओगे। और ऐसा कहते हुए जियान जिंगबू चैन की टांग खींचता है, जिसपे जिंगबू चैन तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, कोई बड़ी बात नहीं, अगर मुझे बाहर सिक्स स्टार के बीस्ट को मारना होगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
तभी जॉन कहता है वैसे मैं वहाँ पे 2 6-star मैच कल कोर के लिए नहीं जा रहा। जो सुनकर दोनों लोग हैरानगी से जो यान की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता कि मैच कल कोर के लिए ही ज्वाइन जा रहा है। तभी जॉन कहता है क्या हमारे पास बहुत सारे फ्रूट ऑफ लाइफ नहीं है और मुझे मेरे ब्रदर जिंग बू चैन की फ्यूचर गर्लफ्रेंड और हमारी भाभी के लिए रिजर्वेशन पिल को रिफाइन नहीं करना तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रूट ऑफ लाइफ के साथ रिजर्वेशन पिल को रिफाइन करने के लिए ड्रैगन ब्लड और फिनिक्स ब्लड की जरूरत होती है। मेरे पास ये दोनों इंग्रेडिएंट कम है, खास तौर पर फिनिक्स ब्लड। जो सुनकर जिंग बू चैन तुरंत ही कहता है ब्रदर जियो आपका क्या मतलब है, क्या आपका मतलब है कि ये दोनों बीस्ट नॉर्मल बीस्ट नहीं है बल्कि ड्रैगन और फिनिक्स है जो डाउडी कॉन्टिनेंट में आसानी से नहीं देखे जाते। जिंग बू चैन को तो पैर कांप रहे होते हैं, उसे अच्छे से पता था कि अगर ड्रैगन और फिनिक्स एक बार मैच्योर हो जाते तो उनकी पावर 8-star पीक लेवल तक होती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों कम उम्र के ड्रैगन और फिनिक्स हों? इसलिए वो तुरंत ही कहता है मेरे भाई अगर हमने कम उम्र के ड्रैगन फिनिक्स को मार दिया तो उनके मम्मी पापा में ढूंढ के मारेंगे। 8-star पीक लेवल के मॉन्स्टर के साथ पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। तभी जॉन कहता है अरे भाई क्या तुमने सुना कि इस एल्यूजन के अंदर 7-star या उससे ज्यादा के स्टार वाले राक्षस हैं यानी कि मॉन्स्टर्स या बीस्ट केवल यहाँ के गार्डियन को छोड़कर जिसकी पावर 7-star पर है। तभी लॉन्गी भी कहता है मैंने भी फिनिक्स को कभी नहीं देखा, चलो चले और उसे मार डाले और उसकी आंखें तुरंत ही साइन होने लगती है। साथ ही ये दोनों ड्रैगन और फिनिक्स मैच्योर ड्रैगन फिनिक्स की सिक्योरिटी के बिना अभी नादान फिनिक्स थे यानी बीस्ट। तभी जिंग बू चैन कहता है फिर तो इनके साथ फाइट करने में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही इन्हें मारने के बाद मैं फ्यूचर में ये कह तो सकता हूँ कि मैंने ड्रैगन और फिनिक्स को मारा है और उसकी आंखों में स्टार साइन होने लगते हैं। जो देखकर जो यान और लॉन्गी दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि क्या वास्तव में लेजेंडरी ड्रैगन और फिनिक्स से मिला इतना आसान है, बल्कि ये दोनों तो उसी बीस्ट की ब्लड लाइन को कैरी करने वाले इम्प्योर ब्लड की सब ट्राइब है, मतलब ड्रैगन और फिनिक्स की नाजायज पैदाइश है। कहीं और इनका चक्कर चल रहा होगा उलू उलू तो एक नई ट्राइब आ गई, वही वाली ट्राइब है ये जिनके पास प्योर ब्लड नहीं है। जो सुनकर लॉन्गी और जिंग बू चैन दोनों ही उदास हो जाते हैं। तभी जॉन कहता है भाई संतोष रख, अगर यहाँ पे रियल ड्रैगन और फिनिक्स होते ना तो वो भले ही मैच्योर ना हो और उनकी पावर 6-star स्टार्टिंग पर हो, हम तीनों केवल वहाँ से भाग ही सकते थे, फाइट का तो तुम सीन ही छोड़ दो। साथ ही साथ ये केवल उनकी सब ट्राइब है लेकिन उनका ब्लड रिजर्वेशन पिल के इफेक्ट को जरा सा भी इफेक्टिव नहीं करेगा जो कि हमारे लिए काफी है। साथ ही साथ सबसे लकी बात ये दोनों ही ट्राइब के ड्रैगन और फिनिक्स अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए, इसीलिए हम इनसे फाइट कर सकते हैं वरना हमें भी भागना ही पड़ता इनके सामने भी। तभी जिंग बू चैन कहता है लेकिन ये ड्रैगन और फिनिक्स एक साथ कैसे रह सकते हैं, सॉरी जो यान ये पूछता है। जो सुनकर जिंग बू चैन हमने गुगलू बाबा तुरंत ही रिप्लाई करते हुए कहते हैं इसमें अजीब क्या है, ड्रैगन और फिनिक्स तो डाउडी कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम पावरफुल बीस्ट हैं, हालांकि उनकी हड्डियों और खून में काफी ज्यादा ईगो है लेकिन आखिरकार ये केवल सब ट्राइब्स हैं और इन्हें ड्रैगन और फिनिक्स की ब्लड लाइन का केवल इनहेरिटेंस मिला है एक पार्ट का, जिसके कारण इन्हें ईगो भी मिला होगा, इसीलिए ये नॉर्मल बीस्ट को तो अपनी आंखों में देखते भी नहीं होंगे और जो लोग इनके साथ रह सकते हैं उनकी ब्लड लाइन से मैच करने वाले ही लोग होंगे। और जहां तक यहां पे सबसे ज्यादा कोई चीज हो सकती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पे एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, वरना तो अब तक एक दूसरे से फाइट करके उन्होंने एक दूसरे को पीछे हटा दिया होता। लड़की का चक्कर थ्रियन फैमिली, लड़की के चक्कर में लोग दुश्मनी भूल जाते हैं, घर वाले को भूल जाते हैं, ये ट्राइब कौन सी खेत की मूली है। तभी जॉन कहता है ये ऐसा ही होना चाहिए, जिसके बाद जॉन कहता है तो फिर चलो चलते हैं और देखते हैं वो लड़की कितनी सुंदर है और क्या ये हमारी भाभी बन सकती है। जो सुनकर जिंग बू चैन तुरंत ही हकलाते हुए कहता है बस कर पगले, वो 6-star पर है, हम उससे फाइट करने जा रहे हैं या रिश्ता जोड़ने, और इसके बाद वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो मुड़ती हुई गलियों के साथ यहाँ वहाँ कल्टी मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। साथ ही एरिया काफी ज्यादा ठंडा होता है, साथ ही ये लोग तीनों आगे बढ़ते हुए टाइम टाइम पर बीस्ट के दहाड़ने की आवाजें भी सुन सकते थे और खतरनाक कोहरे को भी फील कर सकते थे, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए जॉन रुकता है और कहता है सावधान और आगे की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि उनके सामने एक 10,000 मील तक फैला हुआ काफी बड़ा खुला मैदान है, साथ ही चारों तरफ धूल बिखरी हुई जिसके कारण वो साफ कुछ नहीं देख पा रहे, जिसके बाद वो दो बड़े से जायंट बीस्ट को जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं। तुम राइटर कहना क्या चाहते हो, धूल बिखरी हुई तो कोई कुछ नहीं देख पा रहा, फिर उन्होंने लेटा हुआ देख भी लिया और तुम लोग कहते हो मैं राइटर को चूतिया ना बोलूं, वो है। हालांकि तभी ये दोनों ही बीस्ट अचानक से अपना सिर उठाकर जो यान और बाकी के तीनों लोगों की डायरेक्शन पे देखते हैं क्योंकि इन्होंने उसकी ब्रीथ को फील कर लिया था, इसीलिए ये अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देते हैं और धूल बिखरना कम हो जाती है, जिसके बाद जॉन देखता है लेफ्ट साइड पे जो ड्रैगन था उसका सिर तो ड्रैगन के जैसा था पर बॉडी पाइथन के जैसी, लगभग कई 100 meter लंबा, साथ ही उसकी बॉडी पर 4 बड़े बड़े जायंट पंजे होते हैं लेकिन रियल ड्रैगन के कंपैरिजन इसके पास वैसे विंग नहीं थे।
साथ ही राइट साइड फिनिक्स बीस्ट होती है जो बहुत सुंदर थी और इसकी बॉडी की लंबाई भी 100 मीटर से कम ही थी। साथ ही उसकी वर्ड की चोंच विर्क और फिनिक्स के जबड़े की तरह थी। साथ ही उसकी पूरी बॉडी पे जो विंग्स होते हैं वो रेड फेदर होते हैं, बिल्कुल स्कारलेट रेड साइन कर रहे होते हैं, जो देखकर जिंग बुचन का तो दिल कांप उठता है। वो तुरंत कहता है, ब्रदर जो यान, ये ड्रैगन और फिनिक्स तो रॉक ड्रैगन से भी ज्यादा मजबूत लग रहे हैं जिससे हम पहले मिले थे। क्या आप कन्फर्म है कि इन्हें पेल लेंगे? तभी जान कहता है, क्योंकि इनकी बॉडी में ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड लाइन है तो इनकी पावर तो नॉर्मल बीच के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होना नॉर्मल सी बात है। साथ ही बिना ट्राई किए हुए कैसे पता चलेगा कि जीत पाएंगे या नहीं? ये सुनकर तो जो जिंग बुचन को यकीन नहीं होता कि ये बंदा ऐसा कह कैसे सकता है, इसे यकीन है भी नहीं और फाइट फिर भी कर रहा है। दूसरी तरफ ये देखकर कि उनके एरिया में तीन चींटियां घुस गई हैं जो उन्हें इग्नोर मार के एक दूसरे से बात कर रही हैं और उनसे डर कर पीछे नहीं हट रही ना ही यहाँ से भाग रही हैं, दोनों ही बीस्टों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साला प्राइवेट टाइम पे डिस्टर्ब करते हो, उन दोनों का तो यही कहना होता है। जिसके बाद ड्रैगन तुरंत ही अपने लेफ्ट पैर को उठाते हुए जमीन में पटकता है और बड़ा सा छेद हो जाता है और जो यार उन लोगों के सामने काफी बड़ा 2 मीटर चौड़ा क्रैक ओपन हो जाता है जो मकड़ी के जाल की तरह सभी डायरेक्शन में फैलने लगता है। हालांकि इसे देखकर वो लोग तीनों लोग अपनी स्पीड का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक पावरफुल रोर की आवाज उन्हें उनकी जगह पर ही रोक देती है, जो देखकर जिंग बुचन डर कर तुरंत ही कहता है, क्या हो रहा है, ये दिल चीर देने वाली आवाज कैसे आ सकती है? तभी लोंगी अपने स्पेयर को पकड़कर आवाज की डायरेक्शन पर देखता है, जहाँ पे जिंग बुचन भी उसी डायरेक्शन में देखता है और इस बीस्ट की पावर को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। साथ ही बीस्ट जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है उन तीनों को अपनी बॉडी पे काफी ज्यादा घुटन महसूस हो रही होती है और जब प्रीसेस मूवमेंट में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है तो जो यान की स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह उनको एक ऐसा ऑरा फील होता है जिससे जो यान चौंक जाता है, क्योंकि जान को यहाँ पे ब्रीथ क्योंकि यहाँ पे जो यान ने इस वैली के लास्ट में केव को फील किया था और वहां से निकलने वाले ऑरे को फील करके जॉन काफी ज्यादा डर गया था। हालांकि ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग था लेकिन जॉन ने फील किया कि इस ऑरे का मास्टर अभी भी गहरी नींद में है, इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है, हमें इस फाइट का जो मामला है और फैसला है जल्दी ही करना चाहिए स्पीड से। जो सुनकर लोंगी तुरंत ही से हिलाता है और जिंग बुचन फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो यान को देख रहा होता है और इसके बाद तीनों ही लोग अपने पावर को फुल एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद लोंगी कहता है, ठीक है मैं पहले जाता हूँ। और लोंगी जिसका डिफेंस सबसे ज्यादा पावरफुल था तुरंत ही अपनी पावर को अपने आर्मर में डालता है और लाइटनिंग स्पेयर को लेकर इस ड्रैगन बीस्ट की तरफ बढ़ जाता है, जिसके बाद दोनों की टक्कर के कारण लोंगी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है। दूसरी तरफ ये बीस्ट भी हवा में 3-4 गुलाटियां मारता है और उसकी जो बॉडी या स्केल होता है उसपे हल्का सा एक व्हाइट कट होता है जो लोंगी के स्पेयर के कारण आ गया था। हालांकि वो इंजर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था लेकिन ये निशान बन गया था और यहाँ तक कि 4-स्टार के पीक लेवल के वॉरियर स्पेयर से इंजर्ड होना उसके लिए काफी गुस्से की बात थी। तभी वो फिनिक्स बीस्ट तुरंत ही हवा में आ जाती है और अपने फिनिक्स विंग के साथ तीनों ही लोगों पर अटैक कर देती है। साथ ही ये ड्रैगन बीस्ट को सपोर्ट कर रही होती है और दोनों का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा था। साथ ही अब दोनों बीस्ट काफी ज्यादा नाराज भी हो गए थे इसलिए उनके जो अटैक थे वो काफी पावरफुल हो गए थे। दूसरी जॉन की आंखें सिकुड़ गई होती है लेकिन वो अभी खतरे से बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता, जिसके बाद जॉन तुरंत ही ऑर्डर देता और लोंगी अपनी रियल बॉडी में आकर सीधा ही ड्रैगन बीस्ट को रोकने की जिम्मेदारी उठाता है। साथ ही उसने कहा था जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ड्रैगन बीस्ट को फिनिक्स बीस्ट के साथ कोऑपरेट करने का मौका ना दो। इसलिए जिंग बुचन अपने हाथ में फ्लाइंग नाइफ्स को लेकर ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है लेकिन वास्तव में वो उसकी बॉडी पे हल्का सा भी कट नहीं लगा पा रहा था, लेकिन फिर भी वो इसका इस्तेमाल अपने ड्रैगन अपने एनिमी को परेशान करने के लिए कर सकता था। दूसरी तरफ जो यान याओ फेंग बीस्ट की तरफ देखता है, यहाँ पे जैसे ही ड्रैगन बीस्ट अपने सामने लोंगी की बॉडी को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी बॉडी उससे कमतर तो बिल्कुल ही नहीं थी, यहाँ तक कि उससे पावरफुल ही लग रहा होता है। साथ ही लोंगी की पूरी बॉडी सूरज के सामने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से शाइन हो रही होती है। साथ ही लोंगी की पूरी बॉडी लाइटिंग से कवर होती है और हेवन और अर्थ के बीच लाइटिंग से बना हुआ लोंगी जो कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन थंडर ड्रैगन था वो एक रियल ड्रैगन था, कोई सब अब ट्राइब नहीं थी और रियल ड्रैगन ट्राइब्स के बीच सभी ड्रैगन के लीडर के तौर पर था। इसीलिए लोंगी के अपेयर होते ही अपनी रियल बॉडी में दोनों ही ड्रैगन बीस्ट यानी ड्रैगन बीस्ट और फिनिक्स बीस्ट उनकी आंखों में घबराहट दिखाई देती है। हालांकि जो फिनिक्स बीस्ट होती है वो तो जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लेती है लेकिन जो ड्रैगन बीस्ट था अपने सामने रियल ड्रैगन को देखकर उसे थोड़ा सा वीक फील होता है क्योंकि ब्लड लाइन प्रेशर भाई, रियल पप्पा के सामने नकली पप्पा को तो बुरा लगेगा ही। लोंगी जितनी पावरफुल उसकी ब्लड लाइन नहीं थी इसलिए भले ही लोंगी की पावर ज्यादा ना हो ब्लड लाइन प्रेशर के कारण यह बीस्ट कुछ कदम पीछे हटने लगता है। तभी जॉन अचानक ही चिल्लाते हुए कहता है, तो नकली असली से मिल गया और जॉन की बात को ना जिंग बू चैन समझ पाता और ना ही लोंगी। तभी जो यान ड्रैगन बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लोंगी तुम अपने ऑरे को और भी ज्यादा बढ़ा दो, ये तुमसे डरता है और अब हमें केवल याओ फेंग यानी कि फिनिक्स बीस्ट से ही निपटना है। जिस पे लोंगी तुरंत ही अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है जिससे ड्रैगन बीस्ट तुरंत ही कांपते हुए रोर करता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है।
साथ ही उसकी बॉडी काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से लोंगी को ही देख रही होती है। दूसरा लोंगी भी अच्छे से जानता था क्योंकि उनकी पावर इक्वल नहीं है, वो केवल इस बीस्ट को कुछ ही टाइम के लिए सप्रेस कर पाएगा, जिसके बाद लोंगी उस बीस्ट को जब तक टैकल कर रहा होता है, जोयान और जिंग बू चैन इस फिनिक्स बीस्ट की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे लोंगी ने उस ड्रैगन के ऊपर अटैक किया होता है और उसी टाइम पे ये फिनिक्स बीस्ट उसे बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जिंग बू चैन के 7 फ्लाइंग नाइफ अचानक ही उसके गले और विंग्स की तरफ अटैक कर देते हैं। आंख, गले और विंग्स पे अटैक जो कि उसकी बॉडी के सबसे वीक पार्ट थे, फिनिक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हालांकि जो फिनिक्स बीस्ट थी वो स्पीड और फायर में काफी अच्छी थी, लेकिन उसका जो डिफेंस था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही लड़खड़ाते हुए विंग्स के साथ पीछे हट जाता है। साथ ही लोंगी की अटैक से बचने के लिए फिनिक्स को वास्तव में जिंग बू चैन के नाइफ से टकराना पड़ता है और वो पीछे हट जाती है और दूसरी तरफ लोंगी भी उसी टाइम पे उस ड्रैगन बीस्ट को भी पीछे की तरफ धकेल देता है। और देखते ही देखते इन तीनों चींटियों ने अपनी पावर को शो करते हुए इन दोनों ड्रैगन बीस्टों को पीछे हटा दिया था, जिससे फिनिक्स को तो अपने रिस्पेक्ट पे काफी बड़ा धब्बा लगता है और वो काफी उदास हो जाती है, जिसके बाद वो फिनिक्स बीस्ट पावरफुल रोर आसमान की तरफ करने लगती है, जिसके बाद उसकी काफी सारी एल्यूजनरी फिगर्स आसमान में अपेयर होती है, जिससे पता नहीं था कौन रियल है और कौन झूठी, जिसके बाद वो जिंग बू चैन के फ्लाइंग नाइफ्स को डॉज करते हुए जिंग बू चैन का पीछा करने लगती है। साथ ही वो ड्रैगन भी जो लोंगी से फाइट कर रहा था उसने भी कई टक्कर के बाद पा लिया था कि वो लोंगी को चोट नहीं पहुंचा पा रहा, वो लोंगी उसे चोट नहीं पहुंचा पा रहा, जिसके कारण उसके दिल का जो डर होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए वो अटैक करना चाहता था और फिनिक्स की मदद करना चाहता था, लेकिन तभी लोंगी कहता तुम कहां भाग रहे हो, और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी बॉडी को सर्कुलेट करते हुए काफी सारे अटैक ड्रैगन बीस्ट के ऊपर कर देता है, जिससे उस ड्रैगन बीस्ट की फिनिक्स की मदद करने की उम्मीद टूट जाती है और यह देखकर तो फिनिक्स बीस्ट और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और इसके बाद फिनिक्स बीस्ट की काफी सारी एल्यूजनरी बॉडी लोंगी के ऊपर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ जिंग बू चैन भी ठीक से टारगेट नहीं कर पा रहा होता है इस फिनिक्स बीस्ट को, लेकिन तभी हमें वहाँ पे दिखाई देता है लिटिली, जो ईवा करते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जैसे वो इन फिनिक्स को देखकर ये सोच रहा हो कि साला रियल वाला कौन है और डुप्लीकेट वाला कौन, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ में फायर लोटस को पकड़ के इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ जोयान काफी ज्यादा कोल्ड वॉइस के साथ अपनी मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए लोंगी के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने वाली इल्यूजनरी फिगर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि जैसे ही फिनिक्स बीस्ट जोयान को देखता है तो उसकी आंखों में बिल्कुल सेम वैसा ही डर था जैसा पहली बार 9 प्रोफॉर्म गोल्डन थंडर ड्रैगन को देखकर उसके ड्रैगन फ्रेंड का इम्प्रेशन था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जो यान पावरफुल है या वो जो यान से डरता था, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जोयान की बॉडी के आसपास जो फ्लेम बह रही थी उससे फिनिक्स बीस्ट काफी डर रहा था। आखिरकार इस बीस्ट के पास फिनिक्स ब्लड लाइन थी, इसीलिए एक ऐसा बीस्ट था जो कि फ्लेम को कंट्रोल कर सकता था, भले इसका खून या कि ब्लड लाइन इम्प्योर हो, उसके कारण इसकी फ्लेम की जो पावर थी वो भी काफी कम हो गई थी। दूसरा जो यान के पास जो पावर और फ्लेम थी वो स्काई फायर थी, दुनिया की सबसे प्योर फ्लेम, इसलिए उसकी फ्लेम पे जो यान की फ्लेम का काफी खतरनाक इफेक्ट पड़ रहा होता है और वो फर्स्ट अटैक पे ही जोयान से इंजर्ड हो जाता है। तभी जोयान कहता है वास्तव में मेरी स्काई फायर फिनिक्स बीस्ट को रोक सकती है और लोंगी इस ड्रैगन को रोक सकता है, मुझे कहना होगा कि हम तीनों की किस्मत काफी अच्छी है। इसके बाद जॉन 3 फीट हैवी जुआन रूलर का यूज करता है और अपने स्लैश अटैक के साथ फिनिक्स बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। दूसरा जिंग बू चैन को तो सिचुएशन का ही पता नहीं था, लेकिन वो तुरंत एक ही मूवमेंट पर फिनिक्स बीस्ट के ऊपर दर्जनों थ्रोइंग नाइफ से अटैक कर देता है और उसके भागने के रास्ते को रोक देता है। दूसरी तरफ रियल बीस्ट को देखते ही लिटिली भी खुद से स्माइल करते हुए ईवा 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 चिल्लाने लगता है और फायर लोटस को उसके ऊपर फेंकने लगता है। दूसरी तरफ इस तरफ से तीन तरफ अटैक होता हुआ देखकर फिनिक्स बीस्ट काफी डर कर तेज से चीखने लगता है। हालांकि उसने देखा था कि जिंग बू चैन की खोपड़ी के ऊपर बैठा हुआ छोटा सा बच्चा फायर एल्फ था, लेकिन उसे यही लग रहा था कि ये बच्चा इतना छोटा, उसके पास इतनी पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। लेकिन उसकी तरफ से आ रहे फायर लोटस को देखकर जिसके अंदर खतरनाक एनर्जी थी, फिनिक्स बीस्ट को पता चल गया था लापरवाही नहीं करनी है बच्चे के साथ। हालांकि इन तीनों के अटैक को देख बीस्ट समझ जाती है कि अब उसे अपनी फ्लेम से तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, इसीलिए वो अपनी स्पीड का यूज करती है और तुरंत ही वहां से अपने पंखों को 100 बार फड़ाक फड़ाक फड़फड़ाती और जिंग बू चैन के अटैक से डॉच करते हुए फायर लोटस की रेंज से बाहर चली जाती है। लेकिन तभी जॉन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम स्पीड के साथ हर एक चीज को कंट्रोल कर सकती हो, मेरे पास अभी भी एक ट्रंप कार्ड है। जिसके बाद जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है और कोल्ड स्काई को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस बीस्ट की बॉडी अचानक से फ्रीज हो जाती है। हालांकि इसकी पास फिनिक्स ब्लड लाइन थी, इसलिए इसकी स्प्रिट अटैक से जो डिफेंस था वो भी काफी अच्छा था, लेकिन कोल्ड स्काई के सामने कुछ भी नहीं। जिसके बाद जॉन 1000 फीट विदाउट शैडो अटैक को एक्टिवेट करता है और 777 फीट को एक साथ फ्यूज करके अटैक करता है। दूसरी तरफ लिटिली यहाँ पे उस फिनिक्स बीस्ट को जमीन में गिरा हुआ देखता है और वो फायर लोटस से काफी अनसेटिस्फाइड होता है, इसीलिए वो अपने छोटे छोटे गोल मटोल हाथ से पूरे आसमान को फायर लोटस से भर देता है जो इस बीस्ट की तरफ दौड़ने लगते। दूसरी तरफ जिंग बू चैन भी यहाँ
यहाँ पे उस बीच के सामने दो फ्लाइंग नाइफ भेजता है जिनके अंदर उसकी सारी बैटल कोई होती है और उसका चेहरा पीला पड़ गया होता है। और यह देखकर कि फिनिक्स बीस्ट खतरे में है, ड्रैगन बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद वो ड्रैगन अपनी पूरी पावर के साथ लॉन्गी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लॉन्गी भी तो लॉन्गी ही था जिसकी डिफेंस 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल के बीस्ट के झटके को सह सकती थी, इसीलिए इस बीस्ट के अटैक से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और लॉन्गी तुरंत ही इस बीच के चारों तरफ लिपट कर इसे मजबूती से कस लेता है। लेकिन इसी के साथ अभी एपिसोड में यहीं पे एंड करूंगा क्योंकि अभी फाइट और भी लंबी है और वीडियो काफी लेट हो जाएगा, इसलिए इस फाइट को एंजॉय करो और नेक्स्ट वीडियो पे जो मॉर्निंग में होगा हम फाइट को कंप्लीट कर देंगे। साथ ही मैंने कहा था कि मैं वीक में आपको एक तीसरा वीडियो दे दूंगा जो अपलोड नहीं कर पाया, इस वीक नहीं दे पाया, लेकिन हाँ इस वीक में मैं दे दूंगा, तो टेंशन मत लो, आप लोगों को मिल जाएगा 3 वीडियोस किसी ना किसी दिन और इसी वीक में मिल जाएंगे। ओके, तो परेशान मत होना, क्या करूं यार, काम में फंसा हुआ हूं तो टाइम नहीं मिल पाता।